नमस्कार 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 नमस्कार। आज के समाचार, आज के मुख्य समाचार आज के होम्योपैथिक मुख्य समाचार में आपके सामने प्रस्तुत है डॉक्टर एसकेडी, डॉक्टर आलोक नमस्कार और डॉक्टर योगेश, थ्री नाइस मैन आपके सामने फिर हाजिर है। पढ़ाई का सिलसिला, होम्योपैथी का सिलसिला जारी रहेगा, बिल्कुल रहेगा, राइट? यस। तो आज हम लोगों ने सोचा कि काफ़ी बारिश हो रही है तो कुछ बारिश YouTube पे भी हो जानी चाहिए। yes. तो हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कि क्या करना चाहिए। तो हमारे डॉक्टर श्री कृष्णा साहब ने ये प्रपोज़ किया कि कोई एक ऐसी दवा लें जो कि ऑफकोर्स जो हम लोग करते रहते हैं वो यही प्रयास रहता है कि जो डेली यूज़ की जो दवाएँ हैं, तो एक ऐसी एक दवा है जो कि आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका डेली हमारे क्लिनिक में इस्तेमाल हो सकता है। ये दवा ऑफकोर्स मैं थोड़ा लेट सीखा, ऐसा नहीं है आप में से लोग हैं सर हमें तो कुछ आता नहीं है, हमें भी ऐसी अभी भी काफ़ी सारी रेमेडीज नहीं आती। ऐसा नहीं है कि भैया हम 30 मार्क का, आपका तो नॉलेज बहुत है सर, कुछ नहीं है। अगर होम्योपैथी की ये सागर को देखें तो कुछ बूंदे हैं हमारे पास जो आपको हम लोग शेयर कर रहे हैं, जो आपसे भी ये अपेक्षा है कि आप भी शेयर करो और होम्योपैथ को ऊपर लाओ। तो कुछ रेमेडीज, ये रेमेडी मैं बहुत बाद में सीखा कैसे इसको यूज़ करते हैं, इन दोनों से सीखा, कुछ मयूर से सीखा, मयूर सर का भी इस रेमेडी पे एक वीडियो है, कुछ अपने डॉक्टर सुनील साहब से सीखा, बिल्कुल, बिल्कुल। डॉक्टर केवा से सीखा है। हाँ। और अपने डॉक्टर मिलिंद राव सर, डॉक्टर गुप्ता सर, डॉक्टर मोहंती सर, सारे लोगों से कुल मिला के जो भी हम लोगों ने सीखा है और क्लिनिक में जो पेशेंट ने सिखाया है वो हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। उसके पहले बहुत महत्वपूर्ण चीज़, एक दवा जो कि अननोन होती है वो कब तक अननोन होती है, जब तक हम उसको जानते नहीं हैं, ठीक है ना। उसके बाद में जब हम उससे परिचित हो जाते हैं तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि यार पहले तो उसको बिल्कुल भी जानते नहीं थे, अभी डेली उसको इस्तेमाल करने लगे। ब्रेड एंड बटर की तरह, ब्रेड एंड बटर होता है क्योंकि हम उसको जानते नहीं थे। तो HHF के में आने के बाद में मेरा जैसा इवोल्यूशन हुआ है तो मैंने देखा है कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी जिसका इस्तेमाल बहुत रेयरली करता था या कभी किया ही नहीं था, और वो आज की तारीख में ब्रेड एंड बटर दवाइयाँ बन चुकी हैं। और कई सारी बिल्कुल नई दवाइयाँ जो कि शायद अदर स्कूल्स ऑफ होम्योपैथी में या बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं वो यूज़ ही नहीं करते हैं, और HHF में आने के बाद में ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि बहुत रेयर हैं, अभी हम लोग एज अ पॉलीक्रेस्ट यूज़ करते हैं, बिल्कुल विद एविडेंसेस, रूटीनली यूज़ करते हैं, रूटीनली, वेरी रूटीनली वी यूज़ देम। तो और ऐसी दवाइयाँ हम लोग कोशिश करते हैं कि सेमिनार्स और वेबिनार्स में दिखाएँ क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने यूज़ करी हुई है, उसके बाद में ही जब तक हमको एविडेंसेस नहीं मिलते सॉलिड पुख्ता तब तक हम उसको दर्शकों के सामने या ऑडियंस के सामने कभी भी प्रस्तुत नहीं करते। तो उसके लिए वेबिनार्स और सेमिनार्स में अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ ज्वाइन करिए। तो आज की दवा, ये हाँ। आज की दवा और एक ख़ास बात क्या है इस दवा की कि ये दवा ऑफकोर्स ब्रेड एंड बटर रेमेडी है, बहुत ही रूटीन रेमेडी है, लेकिन इसमें ना सबसे अच्छी बात है कि इसकी पैथोलॉजी ना बहुत ही है ना डिस्टर्बिंग, पेनफुल, तकलीफ देने वाली होती है, कभी कभी बहुत ही हॉरिबल होती है, बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत पेशेंट उससे ना बहुत परेशान रहता है इस चीज़ से, बहुत, और इधर उधर घूम के ठीक नहीं होता है। और अपना प्रेजेंटेशन जो हम अभी आपको बताएंगे आप ऐसे उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, और ये जब रेमेडी आप देते हो और पेशेंट ठीक होता है ना तो पेशेंट के साथ साथ उसके रिलेटिव्स और जो जो उसकी तकलीफ को और बीमारी को जानते हैं, इतने दिनों से परेशान बंदा है और इतने आसानी से ठीक हो जाता है ना, तो मतलब सब लोग चौंक जाते हैं, अरे बाप रे ये कैसे हो सकता है, और डॉक्टर्स भी चौंक जाते हैं। और होम्योपैथी का सिद्धांत है कि डिजीज़ चाहे कोई भी हो, हाँ, डिजीज़ सेकेंडरी होता है, प्राइमरी उसकी जो मेंटल स्टेट है, जिस उस डिजीज़ से किस तरीके से वो ग्रसित है, वो जो चीज़ें ले करके आया आपके सामने उसके दिमाग पर उसका क्या इंप्रेशन है, उसके मन पर उसका क्या इंप्रेशन है, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। नहीं, इम्पोर्टेंट तो ये है कि मैं ये सबको फिर से बताना चाहता हूँ, ये जो हम डिजीज़ के नाम दिए हुए हैं ना, जो मॉडर्न साइंस ने दिए हुए हैं, दैट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ डिजीज़, कुछ सिम्टम्स, सिम्टम कॉम्प्लेक्स है बस, उसको छोड़ के बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसमें इंक्लूडेड नहीं होती इस डायग्नोसिस में। और हमारी जो होम्योपैथी की डायग्नोसिस जो रेमेडी के हिसाब से होती है ना, वो उस पर्टिकुलर डिजीज़ के साथ साथ, जैसे किसी को अगर सपोज अभी आज हम केस लेंगे फिशर का, फिशर के साथ साथ उसको
और भी दिक्कतें होती है उसी टाइम से, जैसे अगर 2 साल से या 1 साल से फिशर है तो 1-2 साल से उसको बहुत इरिटेशन बढ़ गया है, बहुत स्ट्रेस में रहने लगा है, डिप्रेशन हो गया है, वॉमिटिंग हो रही है बीच बीच में, डाइजेशन ठीक से नहीं हो रहा है, हेडेक हो रहा है, ऐसे बहुत सारी और बहुत सारी चेंजेस होती है उसकी बॉडी में 2 साल से। जैसे अगर बाद में एक फियर सफरिंग पे वीडियो बनाएंगे, यस, और फिर पता चलेगा सफरिंग क्या होती है। हाँ, राइट। मतलब पाइल्स बोले तो सिर्फ पेन ही नहीं, नो, नहीं, ये नहीं है, नहीं है। सफरिंग पता चलेगा उसके साथ साथ, तो और भी बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई होती है। और होम्योपैथी से क्या होता है ना, वो सिर्फ फिशर जो नाम दिया है बीमारी का वो तो ठीक होता ही है, उसके साथ साथ ये बाकी के जो जुड़ी हुई चीजें वो सारी ठीक होती है होम्योपैथी में। दूसरे मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि सिर्फ वो फिशर की तरफ ध्यान दिया जाता है, उसका पेन थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर कुछ समय के बाद फिर से होता है, इसलिए वहाँ पे पूरी तरह ठीक नहीं होती है बीमारियाँ, जो कि होम्योपैथी में पूरी तरह ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो और यही डिफरेंस है ट्रीटमेंट और हीलिंग में, यही डिफरेंस है होलिस्टिक में और क्या कहेंगे उसको, फ्रेगमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिजीज। होलिस्टिक में क्या होता है कि आप सिर्फ जो मनुष्य जो आपके सामने आया है प्रॉब्लम, जो भी सिक पर्सन है, उसकी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के ऊपर ही आप फोकस नहीं करेंगे, होलिस्टिक में आपको सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और इसीलिए कई बार जो रिसर्चेज होती हैं मेडिकल फील्ड में वो डिफेक्टिव इसलिए होती हैं क्योंकि सिर्फ फिशर के ऊपर ध्यान दिया गया, या सिर्फ फिशर के साथ में ज़्यादा ज़्यादा उसके सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के ऊपर ध्यान दिया गया। ये बहुत रेयर रिसर्चेस में देखा गया कि उस दर्द का, उस प्रॉब्लम का उसके ऊपर, मन के ऊपर क्या इफेक्ट आया है, उसकी फैमिली का स्टेटस कैसा है, उसके परिवार में लोग कैसे हैं, परिवार वाले कोऑपरेटिव हैं कि नहीं। जैसा कि होम्योपैथिक ऑर्गेन ऑफ मेडिसिन में, दैट्स द बाइबल ऑफ होम्योपैथी, उसमें होलिस्टिक का मतलब इस तरीके से दिया हुआ। और जो केस टेकिंग होम्योपैथिक डॉक्टर की होती है इसलिए वो होलिस्टिक होती है क्योंकि वो सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है। एंड आई थिंक दैट्स अ बेटर वे ऑफ रिसर्चिंग अ पर्टिकुलर डिजीज, रैदर देन ओनली फोकसिंग अपॉन द डिजीज, यू फोकस द होल पर्सन। एंड होल पर्सन मीन्स हिज फैमिली, हिज वर्किंग स्टेटस, हिज फ्रेंड्स, और वो डिजीज को किस तरीके से ले रहा है। सो एवरीथिंग इज कवर्ड इन होम्योपैथिक केस टेकिंग। सो आज हम जो दवाई लेने वाली है, ये दवाई इसी तरीके से उस आदमी को पूरा कैसे अफेक्ट करता है और उससे वो कैसे अफेक्टेड है वो आपके सामने आके कैसे बताता है और कैसे दिखता है ये समझेंगे, और फिर उससे क्या रूब्रिक्स लगते हैं और क्या चीज़ देखनी ज़रूरी है जहाँ से आपको काली ब्रो ऐसी पता चल जाए। रेमेडी आज की है काली काली ब्रो, काली ब्रो, राइट। तो मेरे हिसाब से चालू करते हैं एक एक केस से, है ना। yes. सबसे पहले एसकेडी की केस। अच्छा, हाँ, केसेस तो कालीब्रोम जैसे हमने बताया कि हाँ, हाँ, हाँ। तो एंटी क्लॉकवाइज ना? नहीं नहीं, ऐसे ही चलती है चक्की, चक्की ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। पत्ते नहीं खेला कभी, पत्ते नहीं खेला, तेरी उतरी, तू पहले करे, मैंने पीसा है। तो कालीब्रोम बहुत कॉमन है, आपको हर अभी 1-2 दिन में ना, अगर आप रूटीन प्रैक्टिस में हो तो 1-2 दिन में आपको केस मिल जाएगी, इतनी कॉमन है। तो एक रिसेंट केस ही लेते हैं, जो 25 डेज 1 महीने पहले एक डॉक्टर साहब जो मेरे क्लिनिक के पास में ही एलोपैथी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो आ गए और उन्होंने बताया कि उनको फिशर की तकलीफ है। ठीक है, तो मैंने बताया, पूछा उनको कब से हो रहा है, तो वो आके बैठे और उनको दोपहर के टाइम पे आए हो, 2-3 बजे के टाइम पे, ठीक है, 3 बजे के आसपास। तो उन्होंने बताया कि सर अभी तो बहुत तकलीफ हो रही है ये फिशर की, और मैंने ऑफकोर्स मैंने एलोपैथी लिया है, हो गया तो, और आयुर्वेदिक भी हो गया, और दोनों से रिलीफ नहीं आया। और जनरली क्या होता है ना, पेन किलर से या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स या जो भी दवाइयाँ मिलती है रूटीनली, उससे एटलीस्ट कुछ समय तक पेन में राहत मिलती है, ठीक है, लेकिन इनको पेन में भी राहत नहीं आई बिल्कुल भी। तो उन्होंने बोला कि सर बिल्कुल भी रिलीफ नहीं है, मतलब उनसे जो पॉसिबल बनता था, एलोपैथी हो गया, आयुर्वेदिक हो गया, नहीं हुआ। तो वो जो डॉक्टर है वो कुछ 4-5 साल पहले अपने हनुमान सर की जो बर्थडे हम सेलिब्रेट करते उस वक्त एक लेक्चर था मेरे क्लिनिक पे, तो उस वक्त वो आए थे लेक्चर सुनने के लिए। तो उन्होंने फिर ना
सोचा कि अरे मैंने तो एलोपैथी कर लिया, आयुर्वेदिक कर लिया, तो अभी होम्योपैथी बच गया, तो इनके पास जाते हैं। तो आए तो उनको पूछा कि कब से हो रहा है आपको तकलीफ़, तो जो उन्होंने बोला कि सर एक महीना हो गया परेशान, मतलब सर तकलीफ़ बहुत हो रही है, दर्द बहुत हो रहा है। तो शांत स्वभाव के थोड़े, ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनके चेहरे से, उनके एक्सप्रेशन से मैं जज कर पा रहा था कि वो कितनी परेशानी हो रही है। तो उन्होंने बताया कि सर देखो सुबह, अभी सुबह टॉयलेट गया हूँ मैं, लैट्रिन गया हूँ सुबह, अब तक मतलब 2-3 बजे तक वो तब का दर्द अब तक रहता है, अब तक चालू है, मतलब अभी तक, इसके बाद फिर वो कम हो जाता है, लेकिन कल फिर से है ना, कल फिर से है, ये कल फिर से चालू है। समझने की बात है कि कल फिर से है। लैट्रिन जाना आप अवॉइड तो नहीं कर सकते भैया, एक दिन ज्यादा से ज्यादा आप नागा कर दोगे, दूसरे दिन तो जाना ही है, खाना खाना है तो वो बाहर आना है ना। तो उनको बोला कि क्या होता है, मतलब इसकी वजह से आपके ऊपर क्या असर हो रहा है, रूटीन पे क्या? तो बोला सर आपको पता है क्लिनिक में बैठना पड़ता है, तो देखो ना अभी तक मतलब अभी भी देखो अभी भी थोड़ा 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 दर्द हो ही रहा है, और सुबह से तो उनके एक्सप्रेशन थे ना, मतलब वो जो इतना दर्द, मतलब वो एक महीने से ये बंदा उस परेशानी से मुझसे रोज जा रहा है, झेल रहा है, झेले जा रहा है, चालू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक महीने से, ये एक महीना 3 या 4 दिन भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक है ना। तो हमारे लिए, मतलब मेरे साथ एक और डॉक्टर स्टूडेंट भी थे, तो कुछ और एक्स्ट्रा बात ही करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उनको पूछा कि मतलब ये एक महीने से पहले नहीं था? उन्होंने कहा सर हुआ था, 2 साल पहले हुआ था, लेकिन थोड़ा हुआ था, उस वक्त थोड़ा ब्लीडिंग हुआ था, थोड़ा हुआ, इस बार ब्लीडिंग भी और दर्द बहुत है, दर्द बहुत ज़्यादा है, तो इस बार मतलब बहुत ही ज़्यादा है सर, मतलब ये जो बोलने का तरीका था ना उनका, तो और क्या है ना कि ये जो बोलने का तरीका है कि एक महीने से सर एलोपैथी और ये ले लिया है, बिल्कुल भी ये नहीं है, और क्या क्लिनिक में बैठ नहीं पाता हूँ ना, ये जो होती ना एक बोलते ना खींच बोलते हैं ना उसको, बैठ नहीं पा रहा, खींच यानी हाँ थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन या तो कि मतलब क्लिनिक जो है ना मेरा, इसकी वजह से ना क्लिनिक में बैठ नहीं पा रहा हूँ मैं, एक महीने से चल रहा है। तो ये जो है सिंपल ये प्रेजेंटेशन, इसको बोलते हैं डिल्यूजन इंजरी बीइंग इंजर्ड, बीइंग इंजर्ड, इस रूब्रिक को थोड़ी से ठीक से समझिए। एक तो डिल्यूजन, डिल्यूजन मतलब ये भ्रम आपके दिमाग में बैठ गया है कि मुझे इंजुरी, इंजुरी, इंजुरी का मतलब है आपकी कंटिन्यूटी में क्षति आना, बीच में कहीं पर ब्रेक आना, आपका जो जिंदगी चल रही है, आपके जो क्लिनिक चल रही है, आपका जो घर बार चल रहा है, खाना चल रहा है, सोना चल रहा है, दौड़ना उठना भागना, उसमें कहीं पर बीच में ब्रेक आ जाता है, ये होती है इंजुरी। और ये डॉक्टर साहब की जो इंजुरी है वो उनके क्लिनिक में वो बैठने में उनको दिक्कत हो रही, नहीं बैठ पा रहे, बराबर डिल्यूजन समझ गया, ये भ्रम बैठ गया है कि मेरे हर मतलब हर ऐसे नहीं कोई तो कंटिन्यूटी में हर बार ब्रेक आ रहा है। और तीसरा वर्ड जो मोहंती सर ने बहुत बढ़िया बताए थे, बीइंग, BEING, बीइंग यानी कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, हो रहा है अभी भी दर्द हो रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और उसी में से मैं जा रहा हूँ, उस परेशानी में से जा रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि सर, फिर मैंने कंसल्ट किया तो ऑफ कोर्स उन्होंने बताया कि सर्जरी के अलावा इसको कुछ ये नहीं है, ऑप्शन नहीं आगे चल के, तो मैं नहीं चाहता कि उसमें से ना मुझे उसमें से नहीं जाना है। तो मैं सोचा कि अगर ये होम्योपैथी से हो जाए तो मतलब ये जो चाहता है ना, ये इसमें से राहत चाहता है, ठीक होना चाहता है, और इसलिए हर जगह पे जाके परेशान है, परसिक्यूटेड है, इसको बोलते हैं परसिक्यूशन, मतलब परेशान हो जाता है इस तकलीफ से जो कि ठीक ही नहीं हो रही है, और लाइट डिज़ायर मतलब इससे आराम चाहता है, और इस क्यों चाहता है आराम, क्योंकि इंज्योर हो रहा है कंटिन्यूस, उसकी प्रैक्टिस अफेक्ट हो रही है, क्षति आ गई, उसके प्रोसेस में रुकावट आ गई है। सोचिए ना, कोई आपको आके रोज एक झापड़ मार रहा है, जो गाल आपका दोपहर के 2 बजे तक जल रहा है, आप उससे छुटकारा तो चाहेंगे ना कि अरे बस करो यार, इसको क्या चाहिए, दे दो बस करो, ये रोज आके एक झापड़ मार रहा है, क्या कर रहे है? तो वो लाइट डिजायर है कि भैया इसमें से मैं लाइट होना चाहता हूँ, मैं इसमें से छुटकारा चाहता हूँ। और ये जो था ना सर, बहुत तकलीफ है, ये जो ना ये जो एक्सप्रेशन होते ना सर, बहुत बड़े, मतलब ऐसा कि उसके चेहरे पे दिख रहा है कि ये रोज उसमें से जा रहा है और नहीं जाना चाहता है। तो बोला सर रोज मतलब जाने से पहले ना मतलब दर्द इतना है ना, दिन भर रहता है, तो ये जो तकलीफ होती है ना कि उसमें से जाना पड़ेगा, उस प्रोसेस में से जाना पड़ेगा इसको, मतलब आगे चल के ये भी है प्रेजेंटेशन में, तो फोकस सारा होता है ना इस केस में। ये देखो हर केस में ना आपको प्रोमिनेंट चीज़ें देखनी होती कि पेशेंट का फोकस कहाँ पर है। जैसे कुछ केसेस में हमने पहले देखा नक्सोमिका के केस में,
बीमारी के बारे में कॉन्फिडेंटली पॉजिटिवली बताता है, हाई स्पिरिटेड होता है वो, ऐसे इतना बोलते ना झिलमिला नहीं उठता है नक्सोमिका, क्योंकि अपने स्टेट में या ऐसी सफरिंग की स्टेट में नक्सोमिका को आप बहुत कम देखेंगे, वो अपने आप को संभाल के रहता है, हाई स्पिरिटेड रहता है, पॉजिटिव रहता है, बोलते ना बॉयंसी, मतलब कुछ भी हो जाए वो फाइट करना चाहता और है, उसकी क्लैरिटी ऑफ माइंड होती है, उसकी क्लैरिटी होती है कि भैया ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे और सही करेंगे और क्या है। तो वो पूछेगा सर ये देखो ये एक महीने पहले हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, तो आपको क्या लग रहा है सर इसको मतलब क्या करना चाहिए, क्या खाने पीने में कुछ करना चाहिए, मैं ये कर रहा हूँ और कुछ करना चाहिए, ऐसे ना सटीक चीज लोकेसिटी अबाउट हेल्थ होती है कि सर देखो मैं सुबह उठ के व्यायाम करता हूँ, ये करता हूँ, पानी इतना पीता हूँ, 3 लीटर पानी पीता हूँ, सलाड्स खा रहा हूँ, फ्रूट्स खा रहा हूँ, इतना सब चल रहा है, ये सब करके भी दर्द हो रहा है, तो और क्या करना आपको सर। देखो सुबह मैं 2 किलोमीटर से चलता हूँ काफी दिनों से, मतलब मुझे ये हेल्थ को मेंटेन करना थोड़ा अच्छा लगता है, 2 किलोमीटर चलता है सर, आपको लगता है ये ब्लीडिंग जो है इसमें चलना चाहिए कि नहीं चलना, मतलब आप बताओ ये तरीका देखो ऐसे। अभी कैसेट को थोड़ा सा रिवाइंड करो या वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखो, इसने इसकी बॉडी लैंग्वेज और इसकी बॉडी लैंग्वेज कंपेयर करो 5 मिनट पहले जब कृष्णा वाज एक्सप्लेनिंग कालीब्रोम, तो वो एनर्जी जो पेशेंट लेकर के आता है ना, दैट प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल, डल रहेगी कालीब्रोम की, क्योंकि वो उसको वो अपनी सफरिंग या उसकी उसकी दिक्कत से इतनी ज्यादा परेशानी है, ऐसे ना अरे वो देख के आपको लगेगा अरे यार वाकई में इसकी हालत बहुत खराब है यार। मैं नहीं चाहता कि ना अभी ना ये मतलब इसीलिए सोचा कि ना होम्योपैथी से हो जाए सर, बहुत दर्द होता है। ये जो तरीका होता है ना बताने का, ये पूरा चेंज हो गया। देखो नक्सोमिका का कैसे है, इसका कैसे है, और फोकस जो होता है ना वो भी अलग होता है। जैसे प्लाटाना का हमने अपने पहले वीडियो में देखा, बोले अरे सर इतना नहीं, मतलब थोड़ा सा दर्द होता है मैनेज कर लेता, लेकिन अभी और कुछ सोचा कि होम्योपैथी से मतलब वो भी चला जाए थोड़ा, तो वैसे हो रहा है। मैंने मतलब मैं खुद डाइट ऐसा, सर देखो ये ऐसा ऐसा डाइट कर रहा हूँ मैं, 3 बजे ये, 5 बजे ये, 7 बजे है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये प्लैटाना का प्रेजेंटेशन है, नक्सोमिका और प्लैटाना है ना, ये दोनों के दोनों इंजरी इंजर्ड बीइंग में नहीं है, नहीं है भाई, नहीं इंजरी, उनको वो भ्रम ही नहीं है कि भैया मेरे को बहुत बार इंजरी हो रही, मैं मैनेज कर लूंगा यार इंजरी। नक्सोमिका का काम और प्लैटाना, ये बीमारी क्या चीज है जो उनकी काम रोकेगी, ये क्या चीज है जो मेरी काम रोकेगी? नक्सोमिका कैसे, ईगो की वजह से नहीं, नक्सोमिका मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, मैं उसको फाइट कर सकता हूँ, उसको हरा सकता हूँ, काम रोकेगी नहीं, काम में डिस्टरबेंस ला रही है सारा, तो ये हर लेवल पे होता है। अरे यार डिस्टर्ब करता है, इनटॉलरेंस। नक्सोमिका के बारे में ज्यादा जानना है तो 3 Nice Men का वीडियो देख लीजिएगा, प्लैटिना का बड़ा अच्छा एक्टिंग किए हैं, बिल्कुल वो 3 Nice Men का वीडियो देखे हो, बहुत अच्छा बताते हैं, वही वाला देख लीजिए, ठीक है। तो कमिंग बैक टू कालीब्रोम, कालीब्रोम में ये चीज़ें क्या होती हैं, उसका फोकस जो है ना, देखो ये रूब्रिक कब लेने होते हैं, हर केस में आपको वो नरेट करेंगे कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, लेकिन उसका फोकस वहाँ पे प्रोमिनेंट चीज़ होनी चाहिए। मतलब मेरे लाइफ जैसे होता है, कोई डूब रहा है उसको तिनके का सहारा मिलता है तो सारी चीज़ें फोकस तिनके पे आ जाता है, वो तिनका इंपॉर्टेंट बन जाता है, जो भी जिसके ऊपर वो सपोर्ट ले रहा है। वैसे इसके लिए कालीब्रोम के लिए प्रेजेंटेशन में उसका फोकस ये होता है कि देखो ये डॉक्टर साहब है ना, ऐसे नहीं डरते कि मेरे को कैंसर हो जाएगा सर, इसका ब्लीडिंग सर दर्द की वजह से कैंसर तो नहीं हो जाएगा, ये स्टैमिना हो जाएगा फिर सर इसके, उसको पता है कि 1 महीने से वो झेल रहा है, उसको मालूम है कैंसर नहीं होने वाला है, क्या होने वाला है उसको ये भी पता है कि ज्यादा से ज्यादा उसको कट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और उसकी वजह से फिर और तकलीफ होगी, पर्सिक्यूशन होगा, परेशानी होगी, इतना ही पता है उसको, ये जान का डर नहीं है, तो एकोनेट जैसी डार्क नहीं है, है क्या चीज, जान की डर नहीं है, डार्क नहीं है, जान की डर नहीं है, तो एकोनेट जैसी स्टैमोनियम जैसी बीमारियां हट गई ना, इसको सिर्फ तकलीफ इतनी है कि इसकी वजह से ना एक काम ठीक से नहीं हो रहा है, मतलब क्लिनिक में जाने से तक, देखो नक्सोमिका की रुकावट जो होती है ना वो अलग है, मतलब वो करना चाहता है, अभी पढ़ रहा है और ये यार इसके वजह से यार बैठने को नहीं हो रहा है, ये डिस्टर्बेंस, ये डिस्टर्बेंस और ये जो रुकावट बोल रहे हैं इंजरी, इसमें ये फर्क समझना चाहिए, एक एक वर्ड है और एक एक वर्ड बहुत सटीक तरीके से डाले हैं। डिस्टर्बेंस मतलब आपका काम चलता है, बस बीच में किसी का फोन आ गया है ना, रिसेप्शनिस्ट अंदर आ गई, केस टेकिंग के टाइम में डिस्टर्बेंस हो गई, तो ये सारे डिस्टर्बेंसेज हैं, लेकिन इसके लिए एक यातना है, ये यातना आप समझ रहे हैं। नक्सोमी का दूसरे दिन टॉयलेट जाने के लिए डरता नहीं है, मतलब उसको यही प्रॉब्लम है सिर्फ, सर मैं ऑफिस, सर मेरा इंटरव्यू चल रहा है, मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और ये इसकी वजह से दर्द होता है बीच बीच में और मैं फोकस नहीं कर पाता हूँ, प्रेजेंटेशन में दिक्कत आ रही है सर। लेकिन कालीब्रोम को क्या है ना,
ये इतना एक महीने से जा रहा हूँ, कल फिर से जाना, कल फिर से जाना है, ये रड़ा है। कैसे होगा ये, कैसे होगा, कल फिर से उसी प्रोसेस में से जाना है। ये जो ना इसको बोलते फियर ऑफ ऑर्डियल्स। ऑर्डियल मतलब क्या होता है बताओ? अभी ऑर्डियल एक कैसा था कि जब हम लोग पढ़ते थे तो इंजरी, सफरिंग और फिर ऑर्डियल, ऐसे थोड़ा सा समझने की कोशिश किए थे। तो ऑर्डियल में अगर डॉक्टर निखिल खेड़ेकर से आप सुने, उसने बहुत बढ़िया बताया था। एक चीज़ ये होती है ना कि ऑर्डियल यानी कि अग्नि परीक्षा, नंबर वन अग्नि परीक्षा। लेकिन आप बोलो, आप किसको अग्नि परीक्षा बोलो, अलग अलग अपने अपने ये परसेप्शन है। लेकिन अग्नि परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप उसमें से निकल नहीं पाओगे, मतलब उसका कोई ऑप्शन नहीं है। अपन होते थे ना पेपर में जाते थे कि भैया ये बॉडी और एक्सट्रीमिटीज तो कर लेंगे, माइंड है ना, माइंड अपन ऑप्शन को डालते हैं। एनाटॉमी में ब्रेन जो है उसको ऑप्शन को डालते हैं, बहुत डेंजर है भैया, नहीं चाहिए ये नहीं पढ़ेंगे, होता है ना ऑप्शन को डाले। इस ऑर्डिल को है ना ऑप्शन को डालने का सवाल ही नहीं आता, जाना ही है उसमें से। पॉटी को आप कैसे ऑप्शन में डालोगे, नहीं होता यार। अभी ये जो अग्नि परीक्षा की बात कर रहे हैं, तो अगर अपने स्टोरीज में देखें तो जब सीता जी वनवास के बाद आई थी तो उनको एक अग्नि परीक्षा के थ्रू जाना था, जिसके थ्रू ये उनको ये प्रूफ करना था कि शी वॉज नॉट गिल्टी, दैट शी वॉज इनोसेंट, राइट ना। तो अब आप ये सोचो, वो तो आदिशक्ति का अवतरण थी यार, वो तो पावरफुल थी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में चीज़ों को अगर आप समझने की कोशिश करो कि अगर आपको या किसी दूसरे ऐसे मनुष्य को उस परीक्षा के थ्रू जाना पड़े, अग्नि पे चलना पड़े, तब उसकी मानसिक स्थिति कैसी होगी। अभी हुआ नहीं है, होने वाला है, और उसको आग के ऊपर चलना है। एक तो पहले वाला एक्सपीरियंस कि अरे आग पे चलना पड़ेगा, आग पे चला, फिर उसके बाद में निकला, और फिर दूसरे दिन फिर से उसको आग के ऊपर चलना है। तो यही जो उसको अगर कॉमन लैंग्वेज में या डे टू डे में अगर समझने की कोशिश करें, सबसे बड़ी बढ़िया चीज़ होती है कि डेली आपको मोशन के लिए जाना है। तो ये एक तरीके का प्रोसेस है विच इज़ अनअवॉइडेबल, और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि पेनफुल के ऊपर वाला है, यातना देने वाला। एक तो कष्ट होता है और वो पता होता है आपको, ये इम्पोर्टेंट है, पता आपको पता है कि वो अग्नि है और उसके ऊपर चलना है आपको, ये पता है आपको कि अग्नि से क्या होने वाला है, कैसे चटके लगने वाले हैं पता है आपको। माचिस की तीली से उंगली जली थी, अभी तो पूरा पैर लेकर जा रहा है। बहुत सटल डिफरेंस है। और ये फीलिंग आती कि मैं उसको सहन नहीं कर सकता हूँ, अपनी बेरिंग कैपेसिटी के ऊपर है। ये चीज लेकर के अगर कोई आपके सामने आता है, वो चाहे फिस्टुला हो, चाहे फिशर हो, वो चाहे पाइल्स की समस्या हो, वो चाहे ज्वाइंट का पेन हो, उस ऑडियल में या उस यातना में वो जी रहा है, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होगी, एनर्जी लेवल कैसा होगा। एक बार पूरा ऑडियल का रूब्रिक लेना चाहिए यार। बोलेंगे एक तो आई सपोज जलसीमियम अपन ने ले चुका है, जलसीमियम बताया था ऑडियल अपन ने, जलसीमियम का भी वीडियो देखिए, आपस में जोड़िए। ब्रायनिया भी देखो इसमें फर्क इतना है ना, ब्रायनिया में क्या होता है ना कि उसको ना उससे बचने के ना रास्ते वो ढूंढते रहता है, और जो सेकंड रास्ता होता है, जो कम तकलीफ वाला होता है, उसके साथ वो चलता है उसके साथ। तो ऑर्डियल में क्या है ना, ऐसा ऑप्शन नहीं होता है। ऑर्डियल मतलब ऐसी स्थिति होती है ना, मरण यातना है बोलते हैं ना, ऐसा ही बोल दो कि उसके थ्रू जाना बहुत मुश्किल है, आपके पास कोई चारा नहीं है। लेकिन ब्रायनिया में क्या होता है ना, ब्रायनिया में चारा होता है, सफरिंग होती है, क्योंकि उसमें ऑर्डियल नहीं होता, कम लेवल की तकलीफ सफरिंग होती है। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, मतलब कैसे, गला दर्द हो रहा है सर, बहुत दर्द हो रहा है, उसमें भी यही होगा फियर सफरिंग, सर कैसे खाना खाऊंगा, ये तकलीफ प्रॉब्लम ही होता है सर, कैसे खाना खाऊंगा। तो क्या करते हो आप, तो सर मैं क्या करता हूँ ना, पहले ना चावल है ना बहुत उबाल के लेता हूँ, बहुत उसको बोलता हूँ मम्मी को पतला करो थोड़ा, और फिर धीरे 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 ना एक तरफ से मैं कोशिश करता हूँ, एक तरफ से इस तरफ तकलीफ है ना, एक तरफ से मैं खाता हूँ। मतलब उसके पास ऑप्शन है, मतलब मैं हार्ड चीज़ नहीं खा सकता ना, तो सर तीन दिन से ये कोई कुछ खाना ही नहीं खा रही, सिर्फ जूस पी रही है, और सिर्फ हर चीज़ उसको ना ये पीस के देना पड़ रहा है। अच्छा भूख तो लगी है, लेकिन खाने से तकलीफ होगा तो भूख सह लेती हूँ, दर्द नहीं सहूंगी, भूख सह लेती या फिर थोड़ा थोड़ा खाती हूँ। मतलब इसमें क्या होता है ना, इसमें बार्गेनिंग होता है। और कालीभ्रम में क्या होगा, कालीभ्रम में बच्चा अगर तकलीफ हो रही है उसको ना, तो टॉयलेट ही नहीं जाता है दो दो तीन तीन दिन, मतलब दान जाने को ही डर लगता है, क्योंकि उसमें अगर टॉयलेट जाएगा तो उसमें से पास होना ही है, ऑप्शन ही नहीं है। वही बयानिया क्या करता है, खांसी सर्दी है तो पंखा बंद करो, एसी बंद करो, ठंडा मत खाओ, फल मत खाओ, सर
बहुत मौसमी बहुत पसंद है, लेकिन चार साल से खाए नहीं है। अभी जैसे डॉक्टर साहब होते, अगर ब्रानिया के पेशेंट होते तो वो कैसे भी करके चीज़ों को थोड़ा बड़ा मैनेज कर सकते थे, ठीक है ना, वो सफरिंग के लेवल का हो गया। लेकिन ऑडियल में क्या होता है, आपके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है, और ब्रानिया का मेन चीज़ क्या है कि उसको डेली का बिजनेस करना होता है, धंधा। तो उसके पीछे का भाई वो है, कारण ये कि भैया धंधा वंधा अच्छे से चले। इस बंदे के पास में, काली ब्रोम के पास में इतना भयंकर यातना है कि उसका दिमाग इसी पर रहता है कि इससे कैसे भी करके छुटकारा, लाइट मुझे मिल जाए और जिससे कि मैं इससे बाहर आ सकूं। मतलब यही अगर ब्रायनिया होता था ना, वो डॉक्टर साहब ने बोला होता कि सर यहाँ पे रुकते नहीं, कि मैं सर बैठने में दिक्कत होती, क्लिनिक में सर बैठ नहीं पाते, उसके आगे जाता था सर। आपको तो पता है क्लिनिक के बिना कैसे चलेगा, रोजी रोटी कैसे चलेगी सर। 10-11 बजे तक क्लिनिक करने वाला मैं, रात को अभी 9 बजे घर पे आ जाता हूँ सर। ऑलरेडी सर EMI चल रहे हैं ऐसे, और इसी में ये दिक्कत, तो क्या करता हूँ ना मैं, छुट्टी लेता ही नहीं हूँ मैं, ऐसे ऐसे करके रात को ना सर थोड़ा सा घी खाता हूँ मैं, ताकि सॉफ्ट हो जाए इमोशन, ऐसे करके एक सेकेंड रास्ता जो है ना वो ब्रायनिया चुन लेता है। उसके पास दूसरा ऑप्शन होता है जो मैं, जिसमें कम तकलीफ होती है, और उससे चलता है, उसका रूटीन चलते रहता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे उस पर फोकस नहीं है, पैसों पर फोकस नहीं है, बिजनेस पे फोकस नहीं है, सिर्फ छुटकारा मिल जाए ताकि उस प्रोसेस में से जाना पड़े फिर से ना जाना पड़े। तो ये कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी। जैसे मेरे पास एक केस था जिसमें ना कैसा था कि उसको आर्थराइटिस था और उसकी मॉम को आर्थराइटिस था। ओके। तो उसने उसकी मम्मी को देखा है कि वो कैसे चल नहीं पाती है, जब वो अटैक आता है स्वेलिंग आती है, सारे एंकल में इतनी स्वेलिंग आती है, पैर बुढ़ता नहीं है, तो उसको कैसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाते थे, कैसे वो रोज चिल्लाती थी रात को दर्द की वजह से, कैसे उसको ना हमेशा मसाज करके भी, उसको मसाज के टच करते तो भी दर्द होता था। तो उसने देखा है कि ये दर्द और रहता है 5-6 दिन तक, इतना हॉरिबल होता है। तो उसने उसका ऑर्डियल देखा है, उसका एक्सपीरियंस देखा है, फिर जब उसको सेम तकलीफ हो गई ना, तो उसी लेवल पे जाने लगी वो, और उसको भी आर्थराइटिस होने लगा, और फिर वो डरने लगा, और सेम प्रेजेंटेशन फिर कि सर वैसा ना हो जाए, उस तकलीफ में से नहीं जाना है। तो कभी कभी क्या होता है काली ब्रोम में, वो खुद जा चुका है 1 महीने से या पहले जा चुका है, कभी ऐसे भी होता है सर 3 साल पहले, हॉरिबल सर 3 साल पहले जो हो गया था ना, ब्लीडिंग ऐसे हो गया था ना सर, 3 दिन तक हालत हो गया था, तो इसलिए आज सर 2 दिन ही हुआ मैं आपके पास आ गया, क्योंकि उस वक्त जो हुआ था ना वैसा नहीं जाना है, मतलब उस वक्त हुआ था अभी नहीं है। तो इसको भी फियर ऑडियल बोलते हैं, और इसमें एक थोड़ी सी ना क्या बोलते हैं ना, एक चीज़ होती है कि वो एम्बेरसमेंट की बात आती है इसमें, एम्बेरसमेंट एक रूब्रिक भी लेना है, बहुत सारे वीडियो बनाने हैं। एम्बेरसमेंट को जस्ट एक मिनट में डिफाइन करके छोड़ते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर मुद्दे से हट जाएंगे। जब भी एक तो पहली चीज वो दर्द में है, दर्द नहीं, दर्द के ऊपर वाला महादर्द जो भी हो उसमें है, और अभी वो स्टूल के लिए नहीं गया है, अभी तो आपके सामने बैठा हुआ है ना, लेकिन दर्द है उसको रेक्टल एरिया में, दर्द में है, लेकिन वो स्टूल के बारे में जैसे, अरे कल डॉक्टर साहब कल फिर से जाना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता मैं बर्दाश्त कर पाऊंगा, गया नहीं है, लेकिन वो सोच करके जो चेहरे पे भाव आ रहा है ना, वो एम्बेरसमेंट है, और काली ब्रोम का एम्बेरसमेंट बहुत ही विजिबल होता है, बहुत विजिबल। आप अच्छा, इसमें एक और अक्षर की गुंजाइश है, है? क्या है, ऑर्डियल नहीं है, ऑर्डियल्स है, ऑर्डियल्स, एस मतलब प्लूरल हो गया, मतलब स्टूल जाने के पहले, स्टूल करने के दौरान, स्टूल जाने के बाद में, और उसके बाद में, और उसके बाद में, एक के बाद जो पेन है, जो यातना है, जो अग्नि परीक्षा, उसकी उसकी लड़ी लगी हुई है, लड़ी उसके थ्रू जाना पड़ेगा, वो सोच रहा। हाँ मैं क्या बता रहा था, बीच में बोल दिया एक अक्षर एक अक्षर काम का, ठीक है ना। अभी फियर ऑफ ऑडियंस हो गया, तो मेरे ख्याल से अभी तक कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा। एम्बेरसमेंट के बारे में ये बता रहा था, आप में से जितने लोग यहाँ पर सोचते हैं कि एम्बेरसमेंट यानी शर्मा जाना, हाँ बहुत सारे लोग मुझे शर्म आती है, हाँ हेलमेट से एम्बेरसमेंट, ये हो भी सकता है, मैं ये नहीं कहता वो नहीं है, है भी, लेकिन सिर्फ उतना नहीं है, सिर्फ उतना नहीं है, बहुत सारा एम्बेरसमेंट अलग लेवल पे। शर्मा जाना मतलब एक टिमिडिटी भी होती है ना, शाइनेस होता है, ब्लशिंग होता है, शेमफुल फील होता है, बैशफुल होता है। अपने लेवल का ये काम है कि एम्बेरसमेंट एक तरीके की छाप होती है, कोई ऐसी घटना की चलती जाती है, जो कि आपके दिमाग में अभी भी, और जैसे स्टिमुलेशन होता है, अरे वाह, तुरंत याद आ गया। शर्म कैसा है ना कि जैसे समझो क्लास में वो जिप खुला था प्रीवियस लेक्चर में,
और अभी लेक्चर खत्म हो गया, बंदा स्कूल खत्म हो गया, घर पे आ रहा है, फिर भी उसके दिमाग में वही चल रहा है यार, उस वो कैसे हंस रही थी, सब लड़कियां देख के हंसने लगी यार, शिट। तो उसको लगते यार शिट यार कैसे मैं भूल गया यार, शिट लगना कैसे हो गया। द शेम यू फील व्हेन योर इनएडिक्वेसी और गिल्ट इज मेड पब्लिक पब्लिक। अभी सुनील सर होते तो यही बोल देते फुल राइट। तो हाँ, काली ब्रोम देने के बाद में क्या हुआ डॉक्टर साहब का? अरे काली ब्रोम से उनको उसी दिन से इम्प्रूवमेंट चालू हो गई, दो तीन दिन के बाद आए, इम्प्रूवमेंट कुछ 30% तक इम्प्रूवमेंट हुआ, पेन कम हो गया काफ़ी हद तक। क्या पोटेंसी दी थी सर? और 30 से चालू किया और उनको 200 दिया था, उसके बाद उनके पास रखने के लिए उनको बताया गया था कि अगर, क्योंकि वो डॉक्टर साहब हैं तो उनको बता के रखा था कि आपको डोज लेना है ये अगर ज़्यादा लगे तो उन्होंने वो भी दूसरा भी लिया था। तो उसके बाद अभी कल परसों आए, बोले सर एकदम ठीक, पूरी तरह से एकदम, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ ठीक, एकदम आराम है, मोशन में वगैरह कहीं दर्द नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो देखो आप इस तरीके से ना काफ़ी लोगों को आप सर्जरी से बचा सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी पैथोलॉजी हमेशा बहुत बड़ी होती है, काफ़ी केसेस में हॉरिबल पैथोलॉजी होती है, और पेशेंट अगर इस रेमेडी से ठीक होता है तो आपके पास है ना और 10 जन को लेके आता है। बिल्कुल, क्योंकि ये ऑर्डिल में से निकाले हो यार, सिर्फ सफरिंग या तो इंजरी में से नहीं निकाले हो, ऑर्डिल में से निकाले। ऑर्डिल मतलब ऐसी ग्रेट सफरिंग या मौत के पास खड़ा था वो बंदा। हाँ। मतलब ऐसी चीज जो जिसका कोई चारा नहीं होता, सॉल्यूशन होता नहीं है और भूसा भी नहीं होता। हाँ, चारा नहीं होता, भूसा नहीं होता। क्यों नहीं होता मालूम है? क्योंकि एक हिंट देके छोड़ देते। और आप सबको इसके बाद डॉक्टर मयूर का वीडियो देखना है, डिटेल में सुनना है तो काली ब्रोम, कि ये तकलीफ जो इसके पीछे पड़ी ना, परसिक्यूटेड और परस्यूड करके परेशानी है, जैसे ऑर्डियल से ना एक के बाद एक श्रृंखला होती है तकलीफों की। तो एक टाइम होता है बहुत लंबा, उसके हिसाब से बहुत लंबा, कि यार इतने टाइम से मैं इससे जा रहा हूँ और इतना तकलीफ ज़्यादा हो रहा है। और क्यों ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि ये तकलीफ ऐसी होती है ना, जो जो उसको लगता है कि ना ऐसी इतनी बड़ी तकलीफ कोई डिवाइन चीज़ ही दे सकती है, इंसानों ने बनाई हुई तकलीफ नहीं है ये। ये ऐसी तकलीफ है जो शायद भगवान नाराज है, और भगवान के आगे कोई नहीं है। काली ब्रोम जब अपन कॉलेज में पढ़ते थे तो एक ही रूब्रिक याद था कि ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड्स वेंजेंस, डिलीजन इज ऑब्जेक्ट ऑफ गॉड वेंजेंस, और हम लोग सोचते थे अभी ये पेशेंट कैसे बोलेगा। अभी ये ब्यूटी देखिए कि गुप्ता सर ने और मोहंती सर ने किस तरीके से चीज़ों को इंटीग्रेट किया, क्योंकि होलिस्टिक होता है ना, दवाइयाँ जितने भी रूब्रिक्स हैं आप उनको जोड़ के श्रृंखला एक बनानी पड़ेगी और समझना पड़ेगा। गॉड्स वेंजेंस को ये पाइल्स के साथ या फिशर के साथ कैसे कर सकते हैं, आप सोचो ना। इसको कहते हैं मेटाफोरिक अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना। तो ये कोई हवा से बन के नहीं आई है, या इसका इसका एक पैर है, और वो पैर क्या है, ऑडियंस के साथ में इसको जोड़िए। अगर दुनिया में सबसे पावरफुल संस्था कौन है, प्रभु, ठीक है ना, वो अगर आपको कुछ दे दिए तो आप बच पाओगे, ये सोचो। उन्होंने दी हुई तकलीफ को आप कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, कोई कोई कहीं कोई चारा नहीं है। तो उसको उसको ये लगता है, ये वाली जो समस्या है ना, जो दर्द की जो समस्या है या जो फिशर की जो समस्या है, एक ऐसे ऐसी संस्था से आ रही जिससे बच पाना बहुत मुश्किल है। यू हैव टू गो थ्रू दैट। श्री सीता जी को श्री राम जी ने बोला था कि आपको भाई इसके थ्रू जाना पड़ेगा। श्री रामचंद्र जी तो महाराज थे ना, राजा थे, अब उनकी बात कौन टाल सकता है। यू हैव टू गो थ्रू इट, देर इज नो अदर थिंग। तो अब इन चीज़ों का थोड़ा सा जुड़ना चालू हुआ। अभी एक और रूबरी का डिलीजन, ही सीज अ पुलिस मैन कमिंग इन टू हाउस। अब पुलिस आपके दरवाजे आ गई, अब कहाँ से बचोगे, पकड़ के लेके जाएगी, अब खत्म तुम, मतलब जाना ही है उसमें से। अब ये चीज़ें थोड़ा थोड़ा जुड़ रही है ना, तो वो एक ऐसी स्थिति में होता है काली ब्रोम कि ऐसी चीज़ों, एक केस मैं बताता हूँ, अभी मेरा टर्न है ना। हाँ, अब तुम्हारा टर्न। एक सर्जिकल केस था, उसको लंबर डिस्क प्रोलैप्स था। तो वो सर्जन के पास में होके आया था और ट्रेमेंडस पेन में था। सर्जन ने बोला भाई यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड, और पहले भी उसको दिक्कत हो चुका था, तो समहाउ ही मैनेज्ड इट। लेकिन अभी जब मेरे सामने आया तो वो उसकी स्थिति, मतलब ऐसे पकड़ के आया था दोपहर में, ऑफिस जा रहा था, सुबह के टाइम दर्द हुआ, ऑफिस से यू टर्न लेकर के क्लिनिक में आ गया, चुपचाप ऐसे स्टिफ होके बैठा हुआ है, सब बहुत दर्द हुआ है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब क्या हो गया ये। फिर उसने एक्सप्लेन करना चालू किया कि पहले भी समस्या हुई थी लेकिन अभी ये ज़्यादा बढ़ गई है,
कल मैंने अपॉइंटमेंट लिया था सर्जन से, उन्होंने बोला कि अभी इसको एक ही इलाज है आपके पास में, तो मैंने सोचा आपको दिखा लेता हूँ। फिर उसने बोला, मैंने पूछा कि इसको लेकर के मन में चिंता क्या हो रही है। डॉक्टर साहब ऐसा लग रहा है कि ये टूट जाएगा, टूट जाएगा। ये एक्सप्रेशन देखो, ये आँखों का जो है ना, मतलब इसने उस बीमारी का जो बोलते हैं ना सुपीरियरिटी है या फिर वो खुद उसके नीचे आ जाता, प्रभाव में आ जाता है, जो कि नक्सोमिका जैसी रेमेडी नहीं आती। ये मान लेता है कि इसने मेरे को ओवरपावर कर दिया, मेरे पे हावी है, हावी मैं है। बच नहीं सकता इससे, ठीक है ना, वही गॉड्स वेंजेंस है। तो अभी आप ये सोचो कि अगर आपकी वर्टिब्री या इंटरवर्टिब्रल स्पेस अगर ट्विस्ट होके क्रैक होकर टूट गया, कुछ फील हुआ क्या? कुछ फील हुआ, फील हुआ ऐसे करके किसी ने ऐसे क्रैक कर दिया, क्या फील कर? और फिर तो उसको वो वही फील हो रहा था, समझे ना, वो उसके लिए उसका ऑडियल था जो कि भयावह था, और वो उसके बारे में इमेजिन कर, दर्द में तो ऑलरेडी है, वो इंजरी में है, लेकिन इंजरी का बाप सोच रहा है वो कि आगे चल के टूट गया तो क्या होगा। ये चीज देख करके मैंने उसको कालीप्रोम दिया, मैंने बोला आधे घंटे भाई क्लिनिक में बैठो। सो वी गेव हिम द डोसेज, 50% क्लिनिक में रिलीफ हो गया। मैंने कहा कि अभी भी स्थिति से तुम निकले नहीं हो, ऑर्डर खत्म नहीं हुआ, रुको रुको अभी सीधे घर जाओ। लेकिन उसने बात नहीं मानी क्योंकि इसमें एक और रूबरी का वेल्थ, लेकिन वो बाद में लेंगे, वो अभी इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, ऑडियल आज समझाना हमारा मुद्दा है। वो गया ऑफिस, मैंने उसको बोला कि वाटर डोसेज लेते रहना दिन भर। वो गया शाम को, शाम को उसने, मैंने उसको बोला कि मुझे मैसेज करो शाम को, बाई लेट इवनिंग ही वॉज 80-90% बेटर एंड इन अ फ्यू वीक्स ही वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ इट। लवली लवली। थर्ड, अभी मेरे पास एक लेडी आती है, वो ऑफकोर्स ऑफ एंड ऑन कुछ दिक्कत हो जाए तो मेरे पास आना, ये उसका ये था। तो आई सपोज कोरोना के पहले उसको एक बार खांसी हो गई थी, खांसी हुई थी, आई मेरे पास, मैंने तभी पता नहीं शायद कोई रेमेडी दी, गलत भी हो सकती है, गलत थी या सही थी पता नहीं, लेकिन उसकी खांसी, फिर वो मेरे पास वापस आई नहीं। वो खांसी बहुत बढ़ गई, बहुत तकलीफ हो गई, तो वो गई किसी फिजिशियन के पास, फिर फिजिशियन ने उसके ढेर सारे रिपोर्ट कराए, फिर रिपोर्ट कराए तो उस रिपोर्ट में कुछ छोटा सा नुक्स निकला, छोटा नुक्स निकला तो बोले 2D इको करो, आपके हार्ट का प्रॉब्लम है शायद, इसलिए आपकी खांसी ऐसी है। तो फिर वो हार्ट वाला डॉक्टर बोल रहा है तुमको ये, और उसने सब इतनी सारी गोलियाँ और ये सब क्या कहते हैं इसके लिए देते हैं ना, क्लोरेस्ट्रॉल की गोली और हार्ट की गोली, क्लोपिड्रोग्रेल और ये सब। ऑफकोर्स उसका एज कुछ 35-38 था, लेकिन उसको इतनी सारी गोलियाँ, और वो गोलियाँ खा के इतनी उलझन हो गई, खांसी वैसी ही, ऐसे तकरीबन 1.5-2 महीना वो खांसी से परेशान, मतलब एक बार वो उस चपेट में घुस गई वो, और बड़ा बवाल हुआ, जैसे तैसे करके खांसी कम हुई, बंद हुई, फिर उसने वो सब गोलियाँ बंद कर दी, ढवास भवास, जान छूटी लाखों पाए, ऐसे करके हो गया। और फिर जब कोरोना का कार्यक्रम चालू हुआ, उसको फिर से खांसी हो गई। अब वो बोली, एक बार उसके मुंह में गई थी एक बार शेर के मुंह में हाथ दिया था, और सरो उसने पूरा चबा डाला था अब फिर खांसी हो गई है। वो मेरे पास आ गई और बोली, सर ये मतलब पिछले टाइम हुआ था, मैं आपके पास आके गई, लेकिन मैं फिर आपके पास आ नहीं पाई, क्योंकि उसके बाद में फिर फिजिशियन के पास गई, फिजिशियन के पास में फिर उसके बाद में उसने हार्ट वाले के पास लिया, हार्ट वाले ने फिर मेरा 2D इको वगैरह वगैरह इतने सारे टेस्ट किए, इतनी सारी गोलियां दी, 15-15 गोलियां खरीदी में, वो बुढ़ी हो गई, क्या हो गया, हालत खराब हो गई। उसमें से कैसे तैसे खांसी मेरी सही हुई, मैंने वो सब गोलियां भी बंद कर दी, अभी मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी सर फिर से खांसी चालू हो गई। ओह माय गॉड सर, मतलब मैं बोला अरे बाप रे, फिर वही सब बवाल। ये पता नहीं सर, ये लोग का आपस में शायद कुछ, पता नहीं ये MD वाले और ये इनका शायद कुछ ये है कि क्या ये होता है ना कालीपुरम में, आपको वो रूब्रिक है कि देर आर कॉन्स्पिरसीज अगेंस्ट है, कि आपको हायसेमस लगेगा ना, हायसेमस बहुत नज़दीक है, हायसेमस भी बहुत नज़दीक है, वो लोग को इसको वैसे लगता है कि भैया कॉन्स्पिरसीज है, ये सब लोग डॉक्टर लोग मिलके पूरा निचोड़ लेते हैं। सर नहीं, उस ऑर्डील में वापस घुसना नहीं है सर, आप मेरी खांसी ठीक कर दो। मेरे को ये फिर वही याद आ रहा है, तभी कैसे खांसती थी और कैसा हालत हो गया था, इतना गोली और वो सब।
फिर से वो एम्बेरसमेंट सर प्लीज सर। मतलब अभी क्या होता है उस इंटेंसिटी से जो था तकलीफ उस वक्त था, अभी उतना नहीं है, मोस्ट प्रॉब्ली उस वक्त 100% से ज्यादा था। बहुत परेशानी से मैं परेशानी से जा चुकी हूँ, लेकिन अभी जब ये 10-20-30% हो रहा है ना, तो वो एम्बेरसमेंट आ जाता है, वो फियर ऑर्डियल आ जाता है कि यार उसमें से फिर से नहीं जाना है। उसी याद से वो सहर जाती है, हिल जाती है कि अरे बाप रे फिर वापस। अभी ये सारे रूब्रिक्स का जो कलेक्शन है वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। एक रूब्रिक है डिल्यूजन, लाइफ इज थ्रेटन्ड। थ्रेटन्ड मतलब वो दर्द या खांसी इतनी भयंकर है कि खत्म, जानलेवा जानलेवा हो गई, ठीक है ना। तो इस स्थिति से वो गुजर रहा होता है। तो मैंने तभी मैं बोला अरे ये ऑर्डिल है यार, ये फिर उस ऑर्डिल में से ऑर्डिल इंजरी इंजर्ड बीन कि अभी सर 6 महीने पहले हुआ था, फिर हो गई, बार बार हो जा रही इंजरी इंजर्ड बीन, एम्बेरसमेंट सामने दिख रही है और आपको दिख रहा है कि ये जो है ना कि डॉक्टर के पास जाए ना तो फिर इनके चुंगल से छूट नहीं सकते। वो बोलते अरे ऐसा करो नहीं तो हार्ट अटैक आ जाएगा, तुम्हारा हार्ट प्रॉब्लम है, फिर तुम कुछ हो तो बोलेगा नहीं, तो वो कर लो बाबा क्या करना है, किधर गर्दन दू काट ले, क्या करेगा अभी, इनसे निकल नहीं सकते। ये सब कॉन्स्पिरसीज और वो सब लग रहा है उसको, ये सब जुड़ता है सब आपको है। और ऑफकोर्स कई बार बीमारियां भयंकर होती है, कई बार उसकी तकलीफ जो छोटी बीमारी क्यों ना हो, खांसी क्यों ना हो, उसमें से जो जाती है तो वो बड़ा भयंकर होता है। और वो भयंकर जो चीज़ है उसको उसको खांसी के लिए मैंने तभी काली ब्रोम दी, फैंटास्टिकली 2-3 दिन में वो एक नेक्स्ट हफ्ते आई, बोली सर खांसी फैंटास्टिक 80-90% ठीक है, थोड़ी बहुत आती है सुबह शाम, लेकिन ठीक है सर अभी तो क्योंकि दवा ने ऑर्डियल का जो इम्प्रेशन उसके यहाँ पे था, पूरे मन में था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, उसको एंटीडोट कर दिया, तो उसकी एनर्जी फ्री हो गई, जो कि सारे ऑर्गन्स को फिर जो नॉर्मल एनर्जी मिलनी चाहिए वो मिलने चालू होगी फिर से, क्योंकि पहले जो फियर थी ऑर्डिल की वो सारी एनर्जी सक कर रही थी, जो बाकी के प्रोसेस उसको मिलनी चाहिए था वो सारी सक कर रही थी, तो वहाँ पे नहीं मिलती, तो इससे इम्यूनिटी कम होता है, इससे बीमारी बढ़ती है। बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, आई थिंक वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आप थोड़े से सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर हैं तो काली ब्रोम का या कोई भी पेशेंट आपके सामने आता है तो वो जो लम्हा आपके साथ में शेयर करता है ना, अगर आप सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर तो आपको भी थोड़ा सा फील होगा कि वो किस चीज़ में से गुजर चुकी है। करेक्ट ना। अभी जैसे एक लेडी आएगी आपके सामने और उसकी थोड़ी सी और उसे पेटी कंडीशन है, बहुत बहुत ख़राब स्थिति है, और उसने आपके साथ में दर्द के साथ में शेयर किया कि मेरा हस्बैंड डेली मुझे बहुत मारता है, तो आपके भी हृदय में फील होना चाहिए उसका पेन। इफ यू आर अ सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर दैट इज एम्पैथी, दैट्स अ पार्ट ऑफ अ डॉक्टर कि एम्पैथाइज करे पेशेंट्स के साथ में, जिससे कि पेशेंट आपके सामने कंफर्टेबल होकर के बातचीत कर सके। तो पेशेंट जो लम्हा जीता है ना, जो जी रहा होता है जिस स्टेट में या मेंटल स्टेट जो लेकर के आया है, आप सेंसिटिव प्रिस्क्राइबर तो आपको फील होगा एंड दैट विल हेल्प यू टू प्रिस्क्राइब, दैट विल हेल्प यू। ये चीज़ है ना, आपको ऑब्जर्वेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको वेबिनार्स अटेंड करना बहुत ज़रूरी है, और हमारे HHF के जो कोर्सेस है उसमें ये चीजें काफी डिटेल में होती है, क्योंकि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कालीपुरम और बहुत सारा पड़ा हुआ है, ये सारे एंगल कॉमनेस्ट प्रेजेंटेशन जो आपके क्लिनिक में रोज सुबह रोजमर्रा दिखते हैं वही हम बता रहे हैं, नहीं तो कालीपुरम और बहुत बड़ी चीज है। कालीपुरम का पूछते हो ना कि आपको ना क्या चिंता क्या होती है इस बीमारी की वजह से, टेंशन क्या होता है, जो हमारा कॉमन क्वेश्चन होता है कि हमें ये जानना है कि वो कैसे परसीव कर रहा है बीमारी को, बीमारी को मतलब लाइफ में आने वाले थ्रेट को भी, हर लेवल पे हर डायमेंशन पे लोग वैसे ही बिहेव करते हैं, बीमारी के साथ जैसे बिहेव करते वैसे अगर उनको उनके ऊपर कोई बंदा अटैक करने को आया तो उसकी तरफ भी देखने का नज़रिया वही होता है। तो हमें एक डायमेंशन में भी चीज़ें मिल गई तो भी आप प्रिस्क्राइब कर सकते हो, और कभी कभी दूसरे डायमेंशन पे भी मिले, जैसे हम लोग ने बयाने के बारे में बोला कि बयाने को बीमारी का तकलीफ सॉल्व करने का जैसे तकलीफ है ना सफरिंग, वैसे उसको पैसा नुकसान का सफ़र होना पड़ता है, नुकसान होने के बाद गाड़ी से नहीं जा सकता, EMI नहीं भर सकता, वो भी सफ़र करना पड़ता है उसको। तो दूसरे डायमेंशन पे हो गया, एक फिजिकल डायमेंशन पे हो गया, एक बिजनेस के डायमेंशन पे हो गया, वैसे 2-3 डायमेंशन पे अगर चीज़ें सेम मिलती है तो और भी प्रिस्क्रिप्शन आपका स्ट्रांग होता है। ये सारी चीज़ें आपको वेबिनार में सेमिनार्स में सीखने को मिलेगी। एक लास्ट छोटा सा एग्जांपल देता हूँ जो कि आपको और एक आइडिया आ जाएगा। एक पेशेंट को पूछा कालीब्रोम की
कि क्या तकलीफ होती है आपको, क्या चिंता क्या होती है, तो वो पहले ही बता चुकी है सारी परेशानी ऐसे वैसे। उसको पूछा आपको इसके टेंशन क्या आता है, तो टेंशन क्या होता है ना, उसने ऐसे देखा ये उसे जो रोना चालू किया और आग भर आई और बहुत अच्छे क्यों क्या मेरे साथ सर, मतलब मेरे साथ क्यों हो रहा है ऐसा, इतने टाइम से मैं क्यों सफर कर रहा हूँ। उसका हस्बैंड बोल रहा है अरे रो मत पता है डॉक्टर साहब को रो मत। तो बोल रहे मेरे साथ, मतलब उसका रोना जो था ना उसमें समझ में आ रहा था कि वो सोच रही थी कि इतना बड़ा तकलीफ भगवान ने मुझे क्यों दिया, मैंने क्या गलती की, आखिर क्यों इतना, मतलब मैं क्यों ये जो तकलीफ है ना ये परसिक्यूशन बोलते हैं इसको। अगर देखो यही चीज है ना, मैंने एक इग्नेशिया को पूछा था सवाल और उसको जैसे पूछा उसने बताया लेकिन वो घर की बातें बोलना नहीं चाहती और फिर चालू हो गया रोना उसका, लेकिन उसका रोना कंपोज था, इतना कंट्रोल्ड था, इतना ये अभी इसको वर्ड्स नहीं है मेरे पास। जो काली ब्रोम का जो होता है ना रोना, उसमें जो बोलते हैं ना उसमें जो उसकी परेशानी दिखती है, वो सफर जो कर रही है ना वो एंग्विश दिखता है, यस रूब्रिक है सैडनेस वीपिंग अनकंट्रोलेबल। और इग्निशिया उसको कंट्रोल रोती है, लेकिन इग्निशिया के चेहरे पे आप देखेंगे तो क्यों रो रही है, वो सोचती कि ना ये सब कुछ मैं इतना सहन कर रही हूँ सालों से, सब लोगों की बात सहन कर रही हूँ, देखो टॉपिक अलग है, सब लोगों की बात सहन कर रही हूँ लेकिन फिर भी ये लोग सही गलत तरीके से बिहेव कर रहे हैं, अभी मैं इनके लिए क्या करूँ। ये डिसकंसर्टेड होकर थोड़ा डिसकंसर्टेड की तरफ जा रही है और रोना आ रहा है उसको, मतलब उसको क्यों रोना आ रहा है क्योंकि मैं इतना अच्छा बिहेव कर रही हूँ और ये लोग ऐसा क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तो आपको ना ये जो स्किल है आपका कि आपको समझ में आना चाहिए कि आपके सामने अगर कोई पेशेंट रोता है तो वो क्यों रो रहा है, वो दर्द की वजह से भगवान तकलीफ दे रहा है इसलिए रो रहा है तो काली ब्रोम हो गया। अगर वो सही गलत की वजह से रो रहा है, कोई उसका हस्बैंड की उस 4 साल से टॉलरेट कर रही है और हस्बैंड उसको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहा है, बदतर से बदतर तरीके से ट्रीट कर रहा है और अभी उसके कैपेसिटी के बाहर जा रहा है इसलिए रो रही है, और वो भी बहुत कम रो रही है, कंपोज कर मतलब खुद को कंपोज कर रही है, रोक रही है, वो जो माहौल होता है क्लिनिक का उसको बहुत बिगाड़ नहीं रही है, लेकिन काली ब्रह्म को उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अनकंट्रोल मतलब इतना रो रही है, इतना रो रही है कि आपको भी फील होता है यार शांत हो जाता है माहौल, पूरा माहौल ही गमगीन हो गया। इसकी ने इतनी अच्छी एक्टिंग करी है, आप सब लोग इसको फिल्म फेयर या तो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट करिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करिए, शाबाश। ठीक है, सो दैट वॉज काली ब्रह्म, आई होप इट हेल्प्स इन योर क्लिनिक। बिल्कुल यूज करिए, और इस एंगल से यूज करेंगे तो काली ब्रह्म आपको यहाँ पर लगेगी कि यही काली ब्रह्म है और काली ब्रह्म काम करेगी ऐसे, और इंस्टेंट रिजल्ट्स होंगे, क्लिनिक में ही दीजिए। बिल्कुल ठीक है ना, और कमेंट बॉक्स में प्लीज कीप ऑन कमेंटिंग, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और होम्योपैथी ग्रो करवाइए। बिल्कुल होम्योपैथी की ग्रोथ। बाय 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 बाय।